नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूँ अमर और आप देख रहे हो चैनल टेस्ट एंड ट्रैवल। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है भाजे के उसके बारे में। थोड़ा सा लेट हो गया इसीलिए धूप थोड़ी तेज़ हो गई है। लेट इसलिए हुआ, मैं सुबह कार्ले के उस देखने के लिए गया था, तो यहाँ से नज़दीक ही है, कुछ 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ पे। तो वो देख के मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उसका वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड किया हुआ है, चाहो तो आप देख सकते हो। वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है केव्स। और ये भाजे केव स्थित है महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में, पुणे डिस्ट्रिक्ट के मावळ तालुका के भाजे गांव के यहाँ पे ये केव स्थित है। तो इसके बारे में जो डिटेल्स है मैं आपको आगे दे दूँगा। बाकी जो कुछ भी अपडेट है, इसकी हिस्ट्री रहेगी या इसके बारे में जानकारी, यहाँ पे कैसे पहुँचना है, ये सब जानकारी मैं आपको आगे जाके दे दूँगा। थोड़ी सी चढ़ान है इसीलिए थोड़ी सी सांस फूल गई है। यहाँ पे है टिकट काउंटर, टिकट निकालते हैं और आगे जाते हैं। शायद सामने ही केव्स है। टिकट निकाल लिया है, 25 रुपीज़ टिकट है, ज़्यादा नहीं है। ये लास्ट की गुफा है जो लास्ट से हम देखने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे देखते देखते जाएंगे और फिर जो है जहाँ से एंट्री हो गई वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लगता है ये कुछ साधना या प्रार्थना करने की जगह है। बिल्कुल एक सिलेंडर की तरह बनाई हुई है ये, बहुत बढ़िया है। मान लो मंदिर में आप घंटी बजाते हो ना, घंटी बजाने के बाद जो आवाज ऐसी घूमती है ना, मतलब चारों तरफ ऐसे कानों में आवाज घूमती है, वैसे यहाँ पे आवाज ऐसा घूम रहा है। ये गुफा सूर्य गुफा के नाम से जानी जाती है। आप ये स्कल्पचर देख सकते हो। कहा जाता है कि यहाँ पे सूर्य देवता 4 घोड़ों के रथ पर सवार होकर जा रहे हैं और उनके आगे पीछे उनकी पत्नी और दासी है, और रथ के नीचे कुछ राक्षस कुचले जा रहे हैं। और ये देखो कितना बढ़िया स्कल्पचर है यार, बहुत बढ़िया है। ये एक 14 स्तूपों का समूह है। ये भाजे केव्स का बहुत ही उल्लेखनीय हिस्सा है और बहुत ही बेहतरीन बनाई है। मैंने जितनी भी गुफाएं देखी है उसमें से भाजे केव्स का एक थोड़ा सा अलगपन है, एक अलग पहचान है। यहाँ पे वाटर टैंक है, और इसे अंदर का पानी बिल्कुल भी साफ लग रहा है, बिल्कुल साफ, मतलब पूरा नीचे तक दिख रहा है सब अंदर का। ये विहार है, रहने की जगह या आराम करने की जगह कह सकते हो। लगभग 1, 2, 3 और 4 रूम है यहाँ पे, जो बौद्ध धर्म के भिक्षु हुआ करते थे उनके रहने की या साधना करने की जगह है।
यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बनाए हुआ है पिलर पे, और हर एक डिज़ाइन अलग है। यहाँ पे भी कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, लगता है ये कुछ सिंबल्स है। ये देखो यहाँ पे भी एक है। ये जो गुफा है ये यहाँ की मेन गुफा है, मतलब प्रमुख गुफा है, और ये चैत्य गृह के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे यहाँ की वो बहुत फेमस गुफा है और बहुत बड़ी है। इसकी लंबाई लगभग 56 फुट है और चौड़ाई जो है वो 27 फुट, और ऊंचाई उतनी होगी शायद 27 से 30 फुट के अंदर होगी। और ये अंदर है स्तूपा, उसकी ऊंचाई 15 फुट के लगभग होगी। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसको एक राउंड मार के देखते हैं। ये पूरा चट्टान को काट के बनाया हुआ है। और यहाँ पे पूरे जो ऊपर जो कर जैसे जो दिख रहे हैं ना, वो लकड़ियाँ लगाई हुई है। अब ये लकड़ियाँ 2000 साल पुरानी है, मतलब जब ये चैत्य गृह बनाया उतनी पुरानी है, या फिर बाद में लगाई, ये पता नहीं, शायद बाद में लगाई होगी। कुछ पहले की होगी या कुछ बाद में लगाई होगी, क्योंकि वहाँ पे एक जॉइंट दिख रहा है, वहाँ पे कुछ लकड़ियाँ नई लग रही है और कुछ पुरानी है। और ये 2000 साल मतलब 2200 साल पुरानी गुफा है। लगभग यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 विहार है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ टूटा हुआ है एक, क्या पीसफुल जगह है यार, क्या पीसफुल जगह है, सच में बहुत बढ़िया है। इतना मतलब मन को इतना शांति लग रही है ना, एकदम शांत लग रहा है, एकदम शांत, बहुत पीसफुल, बहुत पीसफुल। ऐसी जगहों पे एक बार तो विजिट करनी चाहिए, एक बार देखनी चाहिए ऐसी जगह। और ये इतनी पुरानी है, मतलब 2200 साल पुरानी, 2000 से 2200 साल पुरानी। मतलब इसका जो निर्माण का कार्य था वो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में स्टार्ट हुआ था, और लगभग इसका जो निर्माण है ईस्वी सन 5वीं या 6वीं शताब्दी में ये पूरा हो गया बना के। मतलब इसको लगभग 600-700 साल लगे बनाने के लिए। और ये बेहतरीन है, सच में बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इसका छत देखो यार, कितना परफेक्ट, कितना परफेक्ट बनाया हुआ है, बहुत ही परफेक्ट है। इसकी दीवारें, छत और सामने भी एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। यहाँ पे जो 22 गुफाएं है उसमें से एक चैत्य गृह है, और एक वो जो 14 स्तूपा का एक संग्रह है, एक समूह है, और बाकी जो सूर्य गुफा एक है, सूर्य लेनी, उसके बाद बाकी सब विहार है, बाकी सबके सब विहार है। ओवरऑल जो गुफा है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। मतलब एक हमारे भारत देश का जो वास्तुकला है, हमारे भारत देश की जो वास्तुकला है, ये वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों हो गए हमारी गुफाएँ देख के पूरी की पूरी, और ये सभी की सभी बहुत बढ़िया है। और आपको कैसी लगी गुफाएँ, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताओ। पीछे आपको गुफाएँ दिखती होगी, और ये कंटेंट आपका आपको अच्छा लगता है ऐसा कंटेंट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो सबके साथ शेयर भी कर सकते हो।